हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट अपनी यूनिट फर्स्ट की तरफ। यूनिट फर्स्ट है हमारी एलजेब्रा डिटर्मिनेंट। आज इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर। अभी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट सीखा था निकालना, कि दो वैक्टर का किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एंड देन उसका एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पर सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर की क्या निकालनी है हमें यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर माना लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वैक्टर, नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वैक्टर। यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास दो वैक्टर गिवन है, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, ठीक है। कैसे वेक्टर हैं? नॉन जीरो वेक्टर हैं और नॉन पैरेलल हैं। दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच जो एंगल है वो मेरा क्या है यहाँ पर, थीटा है। मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये है दूसरा वेक्टर यहाँ पर बी वेक्टर। इनके बीच जो एंगल है वो मेरा एंगल है थीटा। क्या एंगल है यहाँ पर? थीटा। Then, such that theta is equals to 0 to pi. और जो एंगल है वो मेरा 0 to pi के बीच लाइक करना चाहिए। Then, vector product of A vector and B vector. और A vector और B vector, मतलब A and B vector की जो product है वो किस तरीके से define होती है? A cross B. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, cross product निकाल लें। तो A cross B is equals to mod of A vector into mod of B vector into sin theta और n cap. एन कैप क्या होता है? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही हमारा क्या होता है, एन कैप होता है। यही हमारा क्या होता है यहाँ पर, एन कैप। और इस एन कैप की वैल्यू जो होती है वो हमारी वन होती है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर दो, एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और n कैप, यहाँ पर n कैप क्या है मेरे यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर, कि ये जो है n कैप ये क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर होता है a वेक्टर और b वेक्टर के, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वन होती है। अब ये तो थी हमारे यहाँ पर डेफिनेशन की, किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब अगर मेरे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आती है, तो वो इसका मतलब क्या होता है कि वे दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं या फिर हमारे पैरेलल हैं। यहाँ पर ये ए क्रॉस बी, अब देखो किस तरीके से ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। उससे पहले हम एंगल देख लेते हैं, एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं, एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, कि हम दो वैक्टर के बीच एंगल किस तरीके से निकालेंगे। देखो लेट करते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, ए वेक्टर ये है हमारा और बी वेक्टर है ये, इन दोनों के बीच क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये जो एंगल है ये मैंने माना, ये एंगल है इनके बीच का थीटा, तो थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देन फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर ये ए क्रॉस B वेक्टर जो था मोड ऑफ A वेक्टर मोड ऑफ B वेक्टर इनटू साइन थीटा और n कैप, n कैप की वैल्यू 1 है और मोड ऑफ A की वैल्यू हम A मान लेते हैं, स्केलर आएगी, और मोड ऑफ B की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, यहाँ पर B माना। तो हमने इसको लिखा A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली इस तरीके से, हमने यहाँ पर क्या किया, स्केलर क्वांटिटी निकाली, तो ए बी साइन थीटा देगी। अब ये तो गया हमारा फॉर्मूला, अब एंगल किस तरीके से निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरीके से यहाँ पर हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल का फॉर्मूला है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ऑफ ए क्रॉस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करते हैं।
यहां पर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच हमने यहां पर क्या किया, थीटा एंगल फाइंड किया। अब देखो यहां पर हमारा एंगल हो गया, देखो अब किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या हमारे यहाँ पर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड ए क्रॉस बी एंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मोड निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसका मोड फाइंड करना है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगी किस तरीके से, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो मेथड है वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम मान के चलते हैं, लेट करते हैं ए वेक्टर, मैंने माना है यहाँ पर, देखो ए वेक्टर गिवन है हमारे यहाँ पर 3i + j - 4k क्या, बी वेक्टर गिवन है मेरे यहाँ पर 6i + 5j - 2k क्या। हमें निकालना है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे पहले डिटरमिनेंट, क्या बनाना है यहाँ पर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट देखो यहाँ पर आई के कोफिशियंट, यहाँ पर जे के कोफिशियंट, यहाँ पर के कोफिशियंट रखो। यहाँ पर देखो किस क्या आएगा, 3 यहाँ पर 1 - 4 6 5 - 2। हमें क्या करनी है, इस तरीके से डिटरमिनेंट बनाना है, फर्स्ट वेक्टर के यहाँ पर क्या रखने हैं, कोफिशिएंट रखने हैं, ऐसे यहाँ पर सेकंड वेक्टर के रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आई के हैं, यहाँ पर जे के, यहाँ पर के। अब देखो अब हमें इसे सॉल्व किस तरीके से करना है, अब अगर हम किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यहाँ पर हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो देखो अब हमें यहाँ पर निकालना है आई के लिए, आई के लिए अगर हम आई के लिए निकाल रहे तो हम क्या करेंगे, आई को यहाँ पर आई को कैंसिल करना है, बाकी बचा हुआ जे और के का निकालना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक डिटरमिनेंट बचेगा, ये 1 5 - 4 और 2। क्या बचा यहाँ पर, आई कॉलम को हटाना है, यहाँ पर यह आया 1 1 - 4 5 - 2। यह अब हमें डिटरमिनेंट पता है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा -2 + 20, यह आएगा यहाँ पर 18i। ठीक है, यह यहाँ पर मैं लिखी देती हूँ, देखो i ये गया तो यहाँ पर आया -2 + 20। फिर हमें पता है डिटरमिनेंट में साइन किस तरीके से, प्लस माइनस प्लस, तो अभी प्लस वाला था माइनस, जे कैप जे के लिए निकालना है तो ये कैंसिल हुआ, 3 - 4 6 - 2, तो ये आएगा -6 और +24, ये जे आया। फिर प्लस के कैप, यहाँ पर के हाइड किया, ये आया 3 5 15 - 6 के कैप, सॉरी यहाँ पर ये हाँ लिख दिया। अब देखो ये कितना आएगा, 18i, यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचा प्लस के, देखो प्लस 18 बचा और माइनस बाहर है तो ए माइनस के 18j, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारा प्लस के 9k क्या। ठीक है, तो ये आया ए क्रॉस बी। देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी आ गया हमारे यहाँ पर कितना,
18i माइनस 18j प्लस 9k कैप। ठीक, हमें यहाँ पे एक क्रॉस बी निकालना था, यहाँ पे हमने एक क्रॉस बी निकाला। अब हमें चाहिए था यहाँ पर मोड, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। मोड निकालना आते ही क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर हमारा 324। तो देखो ये आएगा तुम्हारा यहाँ पर 324 प्लस 324 प्लस हमारे यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 729। और ये किसका होता है, यहाँ पर 729 स्क्वायर है हमारे यहाँ पर 27। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और अपना मोड फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन देन फाइंड ए क्रॉस बी। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करना है, एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि ए क्रॉस बी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। ठीक है, अब देखो बताया था परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, परपेंडिकुलर अगर हमारे दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर होता है। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया, ए वेक्टर और हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली ए वेक्टर और बी वेक्टर की। तो आई जे के कैप, यहाँ पर ए के कोफिशियंट क्या है, 1 -2 3, बी के कितने हैं 2 3 -5। यह है हमारे यहाँ पर, देखो अब कैसे निकालना है, यहाँ पर आई के लिए निकालना है तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 5 2 10 और -9 आई कैप, फिर माइनस जे कैप ये कैंसिल हुआ, माइनस के 5 और 6, फिर प्लस यहाँ पर देखो के कैप आएगा और यहाँ पर के कैंसिल हुआ तो कितना हुआ यहाँ पर 3 और माइनस माइनस प्लस 2 2 4। तो देखो यहाँ पे क्या आई माइनस 11 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 11 जे और यहाँ पर हमारा 7 के कैप। ये आ गया मेरे यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर, यह है मेरा 1 + 11j + 7k कैप। ठीक है, ये आ गए मेरे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया। अब उसने क्या कहा है कि ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, पहले हम ए वेक्टर के निकालते हैं फिर ऐसे हम बी वेक्टर के, क्योंकि उसने दोनों के लिए बोला है। तो देखो जब ये इसके लिए परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है क्या, यहाँ पर इट मींस कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो के इक्वल है। मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या है मेरे यहाँ पर, जीरो है। ये प्रूफ करना है तो देखो एनएचएस लेके चलते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी कितना है, आई प्लस 11j प्लस 7k क्या, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए ए वेक्टर की, ए वेक्टर कितना था मेरे यहाँ पर, ये था मेरा आई माइनस 2j + 3k क्या। ठीक, अब देखो डॉट प्रोडक्ट वही आई डॉट आई वन होता है, आई का आई के साथ लेना है, जे का जे के साथ। तो देखो 1 × 1 1, ये आएगा माइनस के 22। ठीक है, 7 × 3 21, तो देखो 22 - 22 क्या है हमारे यहाँ पर, जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है भैया, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, सेम एज इट इज क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर के, बी वेक्टर के दिखाना है। तो देखो ये तो हमारा यही है, आई प्लस 11j + 7k, इसके डॉट प्रोडक्ट दिखाने है किसके इक्वल, भाई हमें यहाँ पे निकालना ना ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो दिखाना है। अब बी वेक्टर है क्या मेरा यहाँ पर, बी वेक्टर देखो क्या है,
टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के। तो देखो यहां पर इसकी मल्टीप्लाई की टू प्लस थर्टी थ्री और माइनस फिफ्टी वन, साइन फाइव या थर्टी फाइव, यहां पर आएगा थर्टी, यहाँ पर आया 35 माइनस 35, मतलब ये भी हमारा जीरो आया। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन अपना प्रूफ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन एंगल फाइंड करना है, इन दो वैक्टर के बीच हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। अब देखो एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे, एंगल के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, भाई ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो, अब पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालू, आई जे के, आई वैक्टर कितना है, मतलब सॉरी ए वैक्टर टू माइनस वन थ्री, और यहाँ पर वन थ्री टू, भाई ये है हमारा। तो निकालो देखो क्या आएगा, भाई आई के लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल हुआ, माइनस के टू माइनस के नाइन आई, फिर माइनस यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आया टू टू जा फोर माइनस थ्री जे, ऐसे के लिए निकालेंगे तो ये आएगा सिक्स प्लस वन के कैप, तो यहाँ पर ये आया माइनस के इलेवन आई, और यहाँ पर आया हमारा देखो फोर माइनस थ्री वन और माइनस है तो माइनस जे, और सिक्स प्लस वन सेवन के कैप। तो यहाँ से ये आ गई हमारी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब हमें चाहिए यहाँ पर मोड भी चाहिए, मोड ऑफ ए वेक्टर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस वन का माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, फोर प्लस वन प्लस नाइन, तो ये आया मेरा यहाँ पर कितना रूट फोर्टीन। सेम एज इट इज बी का निकालेंगे, बी के लिए क्या आएगा मेरे यहाँ पर वन प्लस नाइन प्लस फोर, तो ये भी मेरा रूट फोर्टीन आया। तो अब एंगल निकाल देते हैं, देखो एंगल क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस इलेवन आई माइनस जे प्लस सेवन के, और अपॉन में रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन, भाई ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एंगल आएगा। यहाँ पर देखो मोड, यहाँ पर मैं मोड लगाने तो भूल गई, ये हमारा मोड ऑफ ए क्रॉस बी था, यही बताया था ना। अच्छा यहाँ पर देखो एंगल में मैंने यहाँ पर मोड आएगा, मोड करके निकालना है, यहाँ पर मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में, यहाँ पर ये मैंने एंगल ही गलत बता दिया, यहाँ पे मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्शन कर लेना, ये है हमारा एंगल, यहाँ पर मैंने गलत ही लिख दिया सारे, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये देखो ये है हमारे यहाँ पर। अब देखो, अब मैंने यहाँ का क्या करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी की मोड भी फाइंड करना है, यहीं पर कर लेते हैं। इलेवन का स्क्वायर 121 प्लस 1 प्लस 49 कितना है 50, 121 प्लस 50 तो कितना है 171। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, भैया है हमारा 171, निकाल दो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, भाई इसका मोड है ना, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 171 अपॉन में रूट 14 रूट 14 40, तो ये आ गया हमारे यहाँ पर साइन थीटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एंगल निकालते हैं साइन थीटा। आया सभी क्वेश्चन में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहे हैं, यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट ए बी सी, ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, क्या है ये पॉइंट हमारे कोलिनियर है, और कोलिनियर के लिए बताया था क्या है हमारी ए बी क्रॉस नोट पॉइंट। देखो अगर मेरे तीन पॉइंट जो है कोलिनियर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है बी सी वेक्टर के साथ, वो हमारी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं ये दोनों वैक्टर आपस में कैसे, मतलब तीनों क्या है पॉइंट कोलिनियर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ए बी वैक्टर चाहिए, देखो A को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर को 2i माइनस j प्लस 3k, पॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं 4i प्लस 3j प्लस k कैप, भाई ये वाला,
और सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, थ्री आई प्लस जे प्लस टू के लिख सकते हैं ए बी सी। अब हमें यहाँ चाहिए ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी बता रखा है माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। निकालो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी क्या है हमारे यहाँ पर, फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के कैप, और यहाँ पर टू आई माइनस जे प्लस थ्री के कैप। माइनस करके निकालो, टू आई आएगा और यहाँ पर ये आएगा प्लस के फोर जे, और यहाँ पर आएगा माइनस के टू के कैप। तो ये ए बी वैक्टर आ गया हमारा। ये सेम एज इट इज हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये तो हमने ए बी वैक्टर निकाला, ऐसे हमें चाहिए सेम एज इट इज बी वैक्टर, सॉरी बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर निकालेंगे, बी सी वैक्टर के लिए पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो देखो पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, सी के पोजिशन वैक्टर क्या है, थ्री आई प्लस जे प्लस टू के, और माइनस बी वैक्टर फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थ्री माइनस फोर तो माइनस आई, यहाँ पर माइनस टू जे, और यहाँ पर टू माइनस वन के क्या, ये आ गई मेरी बी सी वैक्टर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। हमने यहाँ पर ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर आएगा, क्या होगा यहाँ पर हमारा आएगा ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमारी जीरो के इक्वल आती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रख लेना, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकालना है। यहाँ पे मैंने बी सी वैक्टर निकाल दिया, देखो ए सी वैक्टर निकालना है, इसको चेंज कर लेते हैं ए सी वैक्टर, सी वैक्टर माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए वैक्टर, और ए वैक्टर कितना है यहाँ पर, इसको यहाँ पर चेंज किया हमने, देखो कितना है, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के वैक्टर के कैप। तो देखो थ्री माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू जे हो जाएगा, और प्लस टू के और माइनस थ्री तो माइनस के कैप, ये आ गई हमारी। अब यहाँ पर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देखो अब हमें क्या चाहिए, देन वी हैव टू शो, क्या प्रूफ करना है हमें, ए बी क्रॉस ए सी जीरो आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल एच एस ले निकाल लें यहाँ पर, देखो अगर मैं एल एच एस यहाँ पे निकाल देती हूँ, एल एच एस पार्ट आई जे के क्या, आई क्या है ना भाई, ए बी वैक्टर हमें निकालनी है ना, ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी के कितने हैं, टू आई फोर जे माइनस टू, और इसके कितने हैं यहाँ पर, आई वन हो जाएगा टू हो जाएगा और माइनस, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इसकी, देखो देखो क्या आने चाहिए यहाँ पर, देखो भाई ये जीरो वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर में निकालेंगे यहाँ पर, देखो आई के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर प्लस फोर आयोटा, माइनस यहाँ पे गया माइनस टू प्लस टू जे, और फिर प्लस यहाँ पे गया टू टू जे फोर माइनस फोर के क्या। तो देखो यहाँ पे क्या आया, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के क्या, और इसी को हम लिख सकते हैं जीरो वेक्टर, और इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, नल वेक्टर। ठीक है, यही बताया था ना जीरो वेक्टर और नल वेक्टर प्रीवियस क्लासेस में। देखो आगे प्रूफ हमारा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, देन इट मींस क्या हुआ, ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्या करते हैं हम अपना प्रूफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर, ये कोलिनियर प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी चार पॉइंट है रेस्पेक्टिवली गिवन है हमारे पास, तो फाइंड करना है ए बी प्लस ए सी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या करना है, ए बी वैक्टर निकालना, ए बी वैक्टर पता है पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, इस तरीके से निकालोगे। फिर यहाँ पे चाहिए ए सी, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, यहाँ से आपके ए बी और ए सी वैक्टर आ जाएंगे, इनके दोनों की सम करना है, फिर हमारा जो भी आएगा उसकी प्रोडक्ट निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट बी
डी के साथ, तो ये बी डी लिखा हुआ है, इसको भी लिख देती हूँ मैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व करके अपनी निकाल सकते हो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, इसका एंगल निकालना है, ये हमारा ये आएगा प्रूफ करके, इसको आप करना खुद से, एंगल निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, समझ में आया सभी को किस तरीके से क्या करना है, सभी चीज हो गई है। तो यहाँ पर हमारे क्या होती है, ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू यूनिट के साथ, क्या करिए तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।